पिछले कुछ वीडियो में ऑन पैसिव ओ कनेक्ट का ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल फीचर के बारे में लगातार कई कमेंट्स किया गया था। उस कमेंट में लिखा हुआ है कि ओ कनेक्ट में ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल फीचर ऐड हुआ है या नहीं, जिसे मैंने कई बार इग्नोर इसलिए किया क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं था और इस तरह की जानकारी को इकट्ठा करने में समय लगता है। जो फाउंडर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं उन्हें यह पता है कि ओ कनेक्ट का ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल फीचर कितना इम्पोर्टेंट है। यदि ओ कनेक्ट में यह फीचर ऐड हो जाता है तो बिना मेहनत किए ही ओ कनेक्ट पॉपुलर होने लगेगा। इस बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक इस तरह का फीचर किसी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस वेब टूल में नहीं दिया गया है और ओ कनेक्ट में यह फीचर ऐड होने के बाद ओ कनेक्ट को पॉपुलर होने से कोई नहीं रोकेगा। जब हम YouTube में वीडियो अपलोड करने के बाद सब टाइटल फीचर का उपयोग करते हैं तो बहुत ही कम वीडियो पर यह फीचर अप्लाई होता है। YouTube में यह सब टाइटल फीचर विदाउट लैंग्वेज चेंज है, यानी आप जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में वीडियो पर लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बावजूद भी वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत ही कम वीडियो पर यह फीचर अप्लाई होता है। इस फीचर को अपने YouTube वीडियो में अप्लाई करने के लिए अच्छी क्वालिटी का माइक होना जरूरी है और वहीं उसके साथ आपका बोलने का टोन और आपका आवाज़ स्पष्ट आना चाहिए, तभी आप अपने YouTube वीडियो में सब टाइटल फीचर को अप्लाई कर पाएंगे। जब YouTube इतनी पुरानी कंपनी है इसके बावजूद भी यह फीचर सभी वीडियो में अप्लाई नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस फीचर का भाषा परिवर्तन करके ओ कनेक्ट में ऐड करना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई बार नेटवर्क इशू भी होता है जिसके कारण आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आता है। और मैंने ओ कनेक्ट में लाइव होने के बाद सब टाइटल फीचर को कई जगह ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वहाँ पर मुझे इस तरह का कोई फीचर नज़र नहीं आया, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक ओ कनेक्ट में ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल फीचर को ऐड नहीं किया गया है। ओ कनेक्ट का ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल एक ऐसा फीचर है जिसमें आप यदि अंग्रेजी भाषा में किसी वेबिनार में बोल रहे हैं आप उस वेबिनार में लाइव मीटिंग को अपनी भाषा में सुन सकते हैं। यानी यदि कोई अंग्रेजी में बोल रहा है और आपको अंग्रेजी ज़्यादा समझ में नहीं आता है और आप उस अंग्रेजी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके स्क्रीन पर लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो आप ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल फीचर का उपयोग करके आप उस ऑडियो को टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। जब मैंने ओ कनेक्ट का ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल फीचर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया तो मुझे इसके बारे में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं मिला है जो मैं आपको दे सकूं। जैसे ही इसके बारे में मुझे सही जानकारी मिलता है मैं आपको सूचित कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि ओ कनेक्ट में ऑटो लैंग्वेज चेंज सब टाइटल फीचर को अभी तक ऐड नहीं किया गया है। जैसे ही इसे ऐड किया जाता है मैं आपको सूचित कर दूंगा। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।